हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बिना और आपका स्वागत करता हूं स्टडी कोच 920 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश के जो बोर्ड परीक्षा है दोस्तों, उसमें हिंदी का पेपर जो है उसका मॉडल पेपर दिखाने वाला हूं। तो दोस्त, आप वीडियो को पूरा देखिएगा और दोस्तों मैं बताऊंगा कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त, आपको इस मॉडल पेपर जो कि मैं दिखाऊंगा उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अगर आप इसे डाउनलोड करके करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्त, वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2020 कक्षा 12 के लिए है और यह सामान्य हिंदी। और समय आपको जो दिया जाता है वो दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक जो होता है वो आपका 100 का होता है। ठीक है दोस्त, और आपको पहले बता दें कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक यानी प्रश्न नंबर 1 में आपको जो है पांच प्रश्न आपसे जो है पूछा जाता है टिक मार्क्स के लिए। तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप हल करके जरूर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा। अभी मैं व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्रश्न नंबर 1 में आपको जो है 5 क्वेश्चन रहते हैं। अब आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी जो होता है वो भी हमारे जो है टिक मार्क पर भी होता है, टिक मार्क पर ये भी होता है, इसमें भी 5 क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 टिक मार्क पर रहते हैं और यानी कि 10 टिक मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। और आइए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 3 में। प्रश्न नंबर 3 आपका क्या रहता है? प्रश्न नंबर 3 आपका रहता है दिए गए गद्यांश के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्त, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें 2 गद्यांश आपको दिया जाएगा और नीचे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। जैसे ये गद्यांश एक दिया, यह अनुभव कितना चमत्कारी है कि यहाँ जो कि जितनी अधिक बूढ़ी है वह उतनी ही मुस्कानमयी है। यह किस दीपक की ज्योत है, जागरूक जीवन की, लक्ष्यदर्शी जीवन की, सेवनिरत जीवन की, अपने विश्वासों के साथ एकाग्र जीवन की, भाषों के भेद रहे हैं रहेंगे भी, पर यह ज्योत विश्व की सर्वोत्तम ज्योत है। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपको प्रश्न दिखाई दे रहे होंगे, 5 प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है दोस्त, इसमें भी आपको 5 प्रश्न दिए जाते हैं, इन 5 प्रश्नों का आपको उत्तर लिखना है। ठीक है दोस्त, जिसमें से पहला प्रश्न है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखे, यानी कि आपको पहला क्वेश्चन जो रहता है वो संदर्भ ही अधिकतर पूछता है। ठीक है दोस्त, यानी कि संदर्भ ही रहता है। और दूसरा जो रहता है गद्यांश के आधार पर मदरबोर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है दोस्त, आप मतलब खोज कर या आप लिख कर इसका सॉल्व करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर फोटो जरूर भेज दीजिएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और चौथा है किस ज्योत को विश्व की सर्वोत्तम ज्योत बताया गया। और पांचवा है गद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। तो दोस्त, यहाँ पर इसमें मैंने कहा था कि आपको 2 गद्यांश दिए जाते हैं, दोनों में से आपको मतलब किसी एक को करना रहता है। यहाँ पर देखिए अथवा लगाकर एक गद्यांश और दिया गया है, तो इसे आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर इतना मतलब पढ़ूंगा तो फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें भी 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है दोस्त, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर पद्यांश रहता है, जैसे दोस्तों आपको गद्यांश देखा है आपने, गद्यांश पर आपने देखा होगा कि 5 क्वेश्चंस गद्यांश लिखने के बाद 5 क्वेश्चंस आपको नीचे दिए जाते हैं जिसको आप हल करना रहता है। इसमें भी आपको 2 गद्यांश अथवा लगा कर लिखे मतलब दिए रहते हैं, इसमें से आपको एक करना रहता है। और इसमें भी नीचे क्वेश्चंस रहते हैं, उसी का आंसर लिखना रहता है। और एक पद्यांश के लिए आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है दोस्त, तो आप देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। ठीक है दोस्त, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर है, आप समझ सकते हैं। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का रचना का उल्लेख कीजिए। दोस्तों, इसमें से आपको किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचना का भी उल्लेख करना है। दोस्त, इसमें जितने लेखक का नाम दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन मतलब इन लेखकों का साहित्यिक परिचय और रचना जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे एक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, APJ अब्दुल कलाम और हरिशंकर प्रसाद। अब दोस्तों, नंबर खा पे दिया है मतलब 2 साहित्यिक परिचय और रचनाओं के नाम पूछता है, यानी कि एक काव्य का पुस्तक है और एक गद्य का पुस्तक, एक पद्य का पुस्तक, यानी कि एक गद्य का पुस्तक, पद्य का पुस्तक है। ठीक है दोस्त, जिसमें से एक मैथिली शरण गुप्त, ठीक है दोस्त, और मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदपंत और रामधारी सिंह दिनकर, जिनको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद आपको हम प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या है, बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर अथवा पंचलाइट। ठीक है दोस्तों, शब्द सीमा अधिकतम 80, ठीक है, अधिकतम 80 शब्द सीमा, यानी 80 शब्द के अंदर ही आपको बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। ठीक है दोस्त, या फिर लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा तो अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, दोनों क्वेश्चंस में से आपको किसी एक का करना रहता है। ठीक है दोस्त, और एक का करना रहता है। ठीक है,
यानी कि देखिए यहाँ पर आपको लिखा है बहादुर अथवा पंचलाइट, कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, यानी आप बहादुर पर डालिए या फिर पंचलाइट पर डालिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो या फिर यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया गया, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, ठीक है, लाठी अथवा ध्रुव यात्रा की कहानी कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए, यानी लाठी की लिखिए या ध्रुव यात्रा, यानी कि आपके पास चार है, ठीक है, चारों में से आपको सिर्फ एक का लिखना है, ठीक है, तो वो भी 80 शब्दों से कम में लिखना है, ठीक। अब प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 मेरा क्या कहता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है, तो शब्द सीमा अधिकतम 80, ठीक है, आप दे दीजिएगा, जो कि नीचे दिया गया है, नीचे दिया गया श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक के चरित्र का चित्र कीजिए, ठीक है। खंड काव्य आपके जिले में कौन लगता है वो आप पता कर लीजिएगा अपने सर से, ठीक है, एक्चुअली मतलब जो भी लगता है आप पता कर लीजिएगा अपने सर से, या क्वेश्चन बैंक में दिया रहता है, ठीक है दोस्त। तो मैं खंड काव्य को छोड़ देता हूँ पूरा और प्रश्न नंबर 8 में चलता हूँ। प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है कि प्रश्न नंबर 8 कहता है दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखिए दोस्तों, एक संस्कृत में गद्यांश आपको दिया जाएगा, ठीक है, प्रश्न नंबर 8 में, उसमें आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है दोस्त। यह है गद्यांश, आप देख सकते हैं दो गद्यांश है, इसमें से एक को करना है, ठीक, और ठीक दोस्त, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख कर वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है दोस्त। 9वां क्वेश्चन आपको लिखता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का अर्थ, जैसे तलवार की धार पर चलना, तो इसका अर्थ क्या है और इसका एक वाक्य प्रयोग लिखिए, कौन से वाक्य, यानी कोई भी वाक्य बना कर लिख दीजिए जिसमें इसका प्रयोग हो, ठीक है दोस्त। और प्रश्न नंबर 10वें में चलते हैं। प्रश्न नंबर 10वां आपका क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है दोस्त। संधि विच्छेद यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही है उसका, मतलब वो विकल्प चुने का विकल्प चुनना है, ठीक है दोस्त, तो आप जरूर चुन लीजिएगा। अब चलते प्रश्न नंबर 11 में, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या कहता है, आपको बहुत से दिए गए हैं, उसमें से एक विकल्प चुनना है, ठीक है, जो भी सही है एक ही प्रश्न करना। प्रश्न नंबर 11 आपको कहता है कि निम्नलिखित शब्द युगों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, ठीक है। यहाँ पर शब्द युग में दिए गए हैं, इसका अर्थ सही से चयन करके लिखना है, ठीक है दोस्तों, जो कि प्रश्न नंबर 11 में है और आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। प्रश्न नंबर 12 पे हमने आपको बता दिया था कि इसमें रस और अलंकार और छंद, ठीक है दोस्त, रस छंद अलंकार इसमें से पूछते रहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपके दिखाई दिए, बिर रस अथवा हास्य रस के स्थाई भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए, ठीक है दोस्त। अगर आपको नहीं पता कि रस कैसे लिखा जाता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कि रस कैसे लिखा जाता है, आप वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्त। उसके बाद ये श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार के लक्षण अथवा उदाहरण के लिए, यानी कि आपको एक लक्षण अथवा उदाहरण के लिए, ठीक है दोस्त, नंबर रहेगा, ठीक है दोस्त, एक एक नंबर। तो अगला हम चलते हैं 13वां क्वेश्चन पर, 13 नंबर क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है, इसके लिए 2+4 यानी 6 अंक पूरे निर्धारित हैं आपके लिए। या फिर शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिला अधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र प्रार्थना पत्र लिखिए, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र एक ही है, ठीक है दोस्त। तो बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखिए, यानी कि ये दोनों में से आपको सिर्फ एक करना है, ठीक है दोस्त, एक करने के बाद आपको, ठीक है दोस्त। 14वां क्वेश्चन क्या है, 14वां क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। यहाँ पर निम्नलिखित विषय दिए हैं जो कि 5 विषय, अब बस 14 क्वेश्चन टोटल ही पेपर में होते हैं, आप देख लीजिए कौन कौन से विषय दिए, देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवादी की समस्या का समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। दोस्तों मैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप इस अगर मॉडल पेपर को हल करते हैं तो प्लीज़ फ़ोटो खींच के जरूर भेजिएगा, जिससे मैं जान सकूँ कि हाँ आपसे पढ़ाई करते हैं, ठीक है दोस्त। और वीडियो को अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर कोई सुझाव भी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और अधिक जानकारी के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए संपर्क कर सकते हैं, ओनली व्हाट्सएप, ठीक है, डॉन कॉलिंग। और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।